कानपुर में पुलिस ने ही पुलिस का हाफ एनकाउंटर कर गिरफ्तार कर लिया है, हैरान मत हुई। दरअसल पुलिस ने जिसका हाफ एनकाउंटर किया है वो फर्जी पुलिस थी। पूरी घटना का खुलासा करते हुए पुलिस कमिश्नरेट के डीसीपी पश्चिम विजय ढुल ने बताया कि थाना अरौल क्षेत्र के अंतर्गत 5 मई को मध्य प्रदेश के दमोह निवासी वसीम खान और दो अन्य साथियों के साथ फर्जी पुलिस बनकर 4 अज्ञात बदमाशों ने लूट की घटना कर तीनों मध्य प्रदेश निवासी अलग अलग थाना क्षेत्र में रोड किनारे फेंक दिए थे, जिसमें लूट की घटना के बाद वसीम ने थाना अरौल पर लिखित तहरीर दी थी। यह तीनों मकनपुर गांव बदीउद्दीन जिंदा शाह मदार के दरगाह पर अपने धार्मिक गुरु पीर से मिलने के लिए आ रहे थे। पुलिस ने देर रात मुठभेड़ के बाद बदमाश दिव्यांशु कमल उर्फ लाली, शंटी उर्फ अमन, ऋषु सविता उर्फ लड्डू, सत्यप्रकाश यादव और सूर्यकांत चौरसिया को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें से एक बदमाश सूर्यकांत चौरसिया के पैर में गोली लगी थी, जिसको उपचार के बाद कार्यवाही करते हुए न्यायालय के समक्ष भेज दिया गया है। और इस पूरी घटना के सफल अनावरण करने वाली पुलिस टीम को हौसला अफजाई हेतु 50,000 रुपए और प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। आरटीआई न्यूज 24 के लिए तौसीफ अहमद की रिपोर्ट। सर, ये फर्जी पुलिस वाला बनके क्या है, पूरी कहानी उसके अभी तक क्या कार्रवाई की है? दिनांक 4 मई की रात्रि में तीन व्यक्ति मध्य प्रदेश के दमोह से आए थे और वो मकनपुर में मजार शरीफ पे जा रहे थे। बिल्लौर और मकनपुर के बीच में उनके द्वारा बताया गया कि जब वो अपनी कार से जा रहे थे तो उनके साइड में आके एक दूसरी कार रुकी, इसमें से 4 व्यक्ति उतरे और उन्होंने अपने आप को पुलिस विभाग का होना बताया। वो सभी सादे वस्त्रों में थे और इन लोगों को इनकी कार से उतार कर उनको अपनी कार में डाल लिया, उनके साथ मारपीट की, उनके घर पर फ़ोन किया और बताया कि या तो आप हमें 1,00,000 रुपये भेज दीजिए, नहीं तो हम इनको फर्जी मर्डर के मुकदमे में जेल भेज देंगे। इस प्रकार से उन्होंने इन पे, जो तीनों व्यक्ति मध्य प्रदेश से आए थे, उनके परिवारजन पे दबाव बनाया गया और इनके पास जो भी नकद पैसा था, इनका एक व्यक्ति के हाथ में एक चांदी का ब्रेसलेट था और इनके मोबाइल फ़ोन भी उन्होंने अपने कब्जे में ले लिए। जब इनके पास से जो पैसा था वो सब वो उनको मिल गया तो उन्होंने इन तीनों को, एक व्यक्ति को पनकी में और बाकी दो व्यक्ति को महाराजपुर थाना क्षेत्र में छोड़ दिया और वहाँ से वो लोग अपनी गाड़ी के साथ चले गए। इस सूचना पर जब पुलिस को सूचना प्राप्त हुई तो थाना अरौल में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और जैसा इन तीनों पीड़ितों के द्वारा डिस्क्रिप्शन दिया गया था, जिसमें इनके द्वारा केवल ये बताया गया था कि एक सफ़ेद रंग की कार है, कार का नंबर भी ये नहीं जान पाए थे और कार कौन सी थी ये भी नहीं जान पाए थे। इन्होंने केवल एक अंदाजा से बताया कि एक लंबी कार है सफ़ेद रंग की। इसी केवल इतनी ही जानकारी पे हमारी टीम ने काम करना शुरू किया और मुझे बहुत ये कहते हुए बहुत मैं गर्व की अनुभूति कर रहा हूँ, हमारी टीम के द्वारा अपने अथक प्रयास से 24 घंटे के अंदर इस घटना का सही अनावरण किया है और सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इसमें ऑपरेशन त्रिनेत्र के जो कैमरे लगाए गए हैं उनके द्वारा बहुत ही अहम भूमिका निभाई गई है। इस 12 घंटे के दौरान 250 से ज़्यादा कैमरे का हमारी टीमों ने अवलोकन किया, जिसमें हमारे कई थानों के थाना अध्यक्षों द्वारा टीम भावना के साथ एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए वो सारी फुटेज प्राप्त की और एक पूरा एक रूट हमने डिसाइड किया, पूरा एक रूट प्राप्त किया जिससे कार वो कहाँ कहाँ से गुजरी है। उन सब कैमरों से जो कार के बारे में जानकारी प्राप्त हुई जैसा इन लोगों ने बताया था, उसके अलावा जो ह्यूमन इंटेलिजेंस और मोबाइल सर्विलेंस के माध्यम से इन सभी चारों अभियुक्तों की पहचान हुई और इन सब अभियुक्तों को पकड़ने के लिए जब घेराबंदी की गई तो कल रात में, जो बीती रात है, उसमें अरौल थाना क्षेत्र में विजधन रोड पर हमारी टीम अपनी चेकिंग कर रही थी इन्हीं अभियुक्तों के लिए और एक आम चुनाव के दृष्टिगत। इसमें एक गाड़ी में ये चारों अभियुक्त आए और उन्होंने पुलिस बैरियर को टक्कर मार के वहाँ से भागने का प्रयास किया, पुलिस के द्वारा इनका पीछा किया गया। अपने आप को घिरता देख इन लोगों ने पुलिस की टीम पे फायर किया, जवाबी फायर में इनमें से एक व्यक्ति सूर्या उर्फ सूर्यकांत को पैर में गोली भी लगी और चारों व्यक्तियों को पुलिस के द्वारा मौके पे गिरफ्तार कर लिया गया। जो गाड़ी में ये कल थे वही गाड़ी है स्विफ्ट डिज़ायर जो इन्होंने परसों अपराध में इस्तेमाल की थी। इसके अतिरिक्त एक अन्य व्यक्ति है सत्यप्रकाश, जिसने ये गाड़ी इनको उपलब्ध कराई थी। दरअसल ये गाड़ी जो है एक व्यक्ति की है जो कि रहने वाले साउथ क्षेत्र के हैं, उनके द्वारा सत्यप्रकाश को शादी में बुकिंग के लिए ये गाड़ी दी थी और सत्यप्रकाश ने एक तरह से अमानत में खयानत करते हुए उस गाड़ी को इनको आगे अपराध करने के लिए दे दिया।
तो सत्य प्रकाश को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पांचों अभियुक्तों को आज पुलिस अभिरक्षा में ले जाके न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और आगे उनको न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। सर, ये जो लोग हैं, जितने भी आरोपी हैं, ये पहले से अपराध करते रहे हैं, गैंग है या पहली बार किया, कौन है? इनमें से ज्यादातर अपराधियों के ऊपर पूर्व में चोरी के मुकदमे हैं। एक अपराधी के ऊपर थाना गोविंद नगर में अटेम्प्ट टू मर्डर और आर्म सेट का भी मुकदमा है। ये सारा इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री आप लोगों को प्रेस नोट के माध्यम से मिल जाएगी। इनके बाकी आपराधिक इतिहास के बारे में भी जानकारी की जा रही है। और जैसा कि मैंने बताया कि ये सभी लोग एक साथ पिछले काफ़ी टाइम से एक दूसरे को जानते हैं और इस प्रकार इनके द्वारा एक तरह से किराए पे गाड़ी लेके ये अपराध किया गया है और लोगों को डरा धमका के अपने आप को पुलिस वाला बना के उनसे एक्सट्रोशन करते हुए उनके द्वारा इस प्रकार से अपराध को किया गया है। इन दो लोगों के ऊपर आगे विवेचना के उपरांत गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी। जो हमारी टीम ने जिसने ये सराहनीय कार्य किया है, उन सभी टीम को पुलिस आयुक्त महोदय के द्वारा 50,000 रुपये नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है और उन सबको प्रशस्ति पत्र भी मेरे द्वारा दिया जा रहा है। नहीं, इसमें उन्नाव का एक लड़का है, कानपुर देहात का है और कानपुर के भी बाकी लोग कानपुर के हैं, लेकिन ये सब लोग रहते हैं कानपुर क्षेत्र में ही हैं, अस्थायी रूप से कानपुर क्षेत्र में रहते हैं। इन्होंने एक जो ऑनलाइन पैसा मंगाया है, जिसको इन्होंने विड्रॉ किया है, कितना पैसा इन्होंने पीड़ित परिवार को मंगाया था? इन्होंने 50,000 रुपये एक व्यक्ति से मंगवाया था और कुछ पैसा इनके पास कैश था, तो कुल वो सारा पैसा ये विड्रॉ नहीं कर पाए। करीबन 42,000 रुपये ये लोग विड्रॉ कर पाए हैं, क्योंकि कई जगह पे एटीएम इनका काम नहीं कर रहा था, उसमें कुछ दिक्कत थी। इस प्रकार से 42,000 रुपये इनसे लिए गए और इनके तीनों के मोबाइल फ़ोन इन लोगों के द्वारा फेंक दिए गए ताकि इनको कोई ट्रैक ना कर सके। सर, एक सवाल ये है कि जिस तरह से, और चूंकि 5 लोग थे इसलिए डकैती भी लगती है, मैं देख रहा हूँ कि प्रेस कोड में इस तरह की कोई धाराएं नहीं, तो बताइए। देखिए, घटना में जब उनके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई तो उनकी सूचना में जो FIR का मजमून है उसमें ये लिखा हुआ है कि उनको ये डर था कि ये पुलिस वाले हैं और इसी डर से वो लोगों ने ना तो शोर मचाया ना ही उन्होंने उसका विरोध किया। हमारे पास ऐसी कई सारी फुटेज है जिसमें इन लोगों को उन्होंने बंधक बना रखा है, उसको उतार के वो एक ATM में लेके गए, तो वो आराम से उनके साथ चल के जा रहे हैं। उन्होंने ना तो भागने का प्रयास किया जबकि आसपास काफ़ी गाड़ियाँ मूव कर रही हैं, ना ही उन्होंने शोर मचाने का प्रयास किया। तो इस तरह से उन्होंने उनके परिवार को ये बताते हुए कि हम पुलिस में हैं और इनको बंधक बना के उनसे जो पैसा लिया गया था उसके आधार पर ही तत्समय धारा 388 का मुकदमा दर्ज हुआ था। और जो पांचवा व्यक्ति है, ये व्यक्ति मौके पे उपस्थित नहीं था, इसका काम केवल उनको वाहन उपलब्ध कराना था। ये पूरे टाइम उस घटना के समय अपने घर में था। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।